हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जो कि होने वाला है बढ़ती हुई उम्र। स्पेशली बढ़ती हुई उम्र के साथ जो स्किन प्रॉब्लम्स आती है और मैंने अपने कंसर्न्स को कैसे हैंडल किया है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, एज बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होना ही है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो कि आपको थोड़ी सी टेंशन देती हैं, और उसके कुछ संकेत होते हैं जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस या डार्क स्पॉट्स या फिर अनइवन स्किन होना, क्योंकि आपको लेट 20 या अर्ली 30 में स्टार्ट हो जाती है। बट ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सबके साथ डिफरेंट होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है आपकी जेनेटिक्स, आपकी लाइफस्टाइल और आपका जो स्किन रूटीन है उसके ऊपर। चलिए तो थोड़ा सा इनको ब्रेक डाउन करते हैं। फाइन लाइंस और रिंकल्स यूजली सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं उनके नीचे या जो मुंह होता है उनके आसपास स्टार्ट हो जाती है, जो कि कोलेजन और इलास्टिन के लॉस होने की वजह से होता है। प्रोटीन्स हैं जो हमारी स्किन को फॉर्म या इलास्टिक बनाते हैं। ए स्पॉट्स जो सन स्पॉट्स या लीवर स्पॉट्स भी होते हैं। इंक्रीज पिगमेंटेशन के एरिया है जो सन एक्सपोजर के कारण होते हैं। फिर आता है ड्राइनेस जो हमारी स्किन को डल बना सकते हैं, और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है तो स्किन पे आ जाते हैं रिंकल्स, और ज्यादा ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन पे जो रिंकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं। चलो तो मैं कुछ अपने स्किन कंसर्न्स हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी जर्नी है उसमें मैंने क्या देखा। जैसे आपके जो फेस होता है वहां पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, आपकी आईज के नीचे रिंकल्स आने लग जाते हैं, तो उनको आप अपने लाइफस्टाइल रूटीन के अकॉर्डिंग या फिर स्किन केयर के अकॉर्डिंग उनको आप थोड़ा सा सही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने कुछ रूटीन्स हैं जो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, देख लेते हैं। इन कंसर्न्स को टेकल करने के लिए कुछ रूटीन्स हैं जो मैं करती हूँ जो मेरे लिए बहुत यूजफुल हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है हाइड्रेशन, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना। इसलिए मैं यूज करती हूँ कोई भी अच्छी सी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर, और दिन में पीना चाहिए बहुत सारा पानी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन। मैं हर सुबह सनस्क्रीन जरूर यूज करती हूँ, चाहे क्लाउडी वेदर हो या फिर हो सनी वेदर। सनस्क्रीन बहुत जरूरी है क्योंकि स्किन को बचाता है सन डैमेज से। उसके बाद मैं यूज करती हूँ विटामिन सी, ये अनइवन स्किन टोन के लिए हेल्प करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एनवायरमेंटल डैमेज के अगेंस्ट है ये, मेरी स्किन के लिए एक ब्राइटनिंग बूस्ट जैसा है हर सुबह। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके लिए होना चाहिए बैलेंस डाइट, इनफ स्लीप और स्ट्रेस रिड्यूस करना, सब कंट्रीब्यूट करते हैं एक हेल्दियर स्किन के। तो ये है मेरा स्किन केयर रूटीन जो कि स्टार्ट होता है क्लींजर से, फिर विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर और ऑफ कोर्स सनस्क्रीन। और जब मैं रात को सोती हूँ तब भी मेरा यही रूटीन चलता है, क्योंकि सोने से पहले आपकी जो स्किन होती है वो क्लीन होनी चाहिए और अच्छे से मॉइस्चराइज होनी। अब बात करते हैं मेन बेनिफिट्स की। कोलेजन जो होता है वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन को मेंटेन करने का एक की प्लेयर होता है। कोलेजन बूस्ट होने की वजह से जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती है, अनइवन जो स्किन होती है वो रिड्यूस होती है, जिस वजह से आप ज्यादा यूथफुल और रेडियंस अपीयरेंस देते हो। और कोलेजन बूस्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मुझे अभी रिसेंटली ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। भर भर के इसमें आपको विटामिन मिलेंगे, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, रियल कोलेजन पेप्टाइड्स है, हाइड्रोनिक एसिड है, विटामिन ई सब हेल्दी स्किन के लिए ग्रेट है। कोलेजन जो पेप्टाइड्स होती है वो हमारी स्किन में जाके कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और हाइड्रेशन इंप्रूव करते हैं। हाइड्रोनिक एसिड स्किन मॉइस्चराइजर और हाइड्रेशन के लिए परफेक्ट है, जो स्किन को स्मूथ बनाती है। विटामिन सी और ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन ग्लो एंड ब्राइटनिंग में हेल्प करते हैं और डरनेस और मार्क्स को फैड करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज का जो वीडियो था वो आपकी स्किन टाइप और आपका जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग राइट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए था। और प्रोडक्ट की ज्यादा नॉलेज के लिए आप एक बार डर्मोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर ले। एजिंग जो है वो एक जर्नी है जो कि सबके साथ होने वाली है, हम सब इसके साथ चलने वाले हैं और ये तो होना ही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसको कॉन्फिडेंटली हम इसको ले, और अपना जो रूटीन है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो स्किन रूटीन है उस पे जरूर ध्यान दे। सबसे इम्पोर्टेंट वो ही है कि जब तक आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दोगे, आप अपने रूटीन पे ध्यान नहीं दोगे और आप अपने कोलेजन को बूस्ट नहीं करोगे तो आपकी जो एजिंग है वो आपके फेस पे जरूर दिखेगी। तो इसके लिए जरूरी है कुछ रूटीन्स हैं जो आप फॉलो करो, अपने कोलेजन को बूस्ट करो, बस इतना ही करना है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू, बाय।